राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी सामने आ गई है। सचिन पायलट खेमे के लोगों ने अपने ही सरकार और जिला प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर जयपुर में उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो गए। इसी दौरान उनके आवास के आसपास विधायकों और कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाओं वाले पोस्टर बैनर लगाए थे। पायलट समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का आरोप है कि प्रशासन ने सभी बैनर पोस्टर को हटवा दिया और उनके आवास वाले इलाके में इंटरनेट को भी बंद करवा दिया। बता दें कि सचिन पायलट का जन्मदिन मनाने के लिए जयपुर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके घर के बाहर घंटों तक जुटे रहे। घर के बाहर पायलट लोगों से 4 घंटे तक मिलते रहे। इस दौरान गीत नृत्य और पारंपरिक तरीके से टोलियों में लोग नाचते गाते रहे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। इस मौके पर पायलट ने कहा कि जनता का ये प्रेम मुझे भरोसा और जिम्मेदारी दोनों देता है। वही मुख्यमंत्री पद के सवाल पर कहा कि हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को है, मगर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पायलट को कन्याकुमारी जाना है। लिया जा 6 सितंबर को ही जन्मदिन मनाकर वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल गए। इस मौके पर विधायक प्रशांत मेरवा ने कहा, मैं तो पायलट साहब की वजह से जीता। बुजुर्ग वन मंत्री और विधायक दीपेंद्र सिंह ने कहा कि 57 सालों में किसी नेता के लिए ऐसा क्रेज नहीं देखा। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।